हाय एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैग गपशप में। आज मैं आपके लिए व्हाट्सएप की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक को यूज करके आप बोलोगे कमाल हो गया। आप जैसे किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए अपना इंटरनेट खोलते होगे या स्टडी के लिए इंटरनेट खोलते होगे, आपको लेना होता होगा स्क्रीनशॉट, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती होगी तो व्हाट्सएप पर धनाधन मैसेज आने लगते होंगे। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त आपसे मोबाइल मांगते होंगे कि यार दे दे मोबाइल, मुझे थोड़ा नेट यूज करना है, थोड़ा सर्च करना है, तो आप घबराते हो कि कहीं प्राइवेट मैसेज ना आ जाए व्हाट्सएप पे। तो मैं इसी के लिए बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं उस ऐप पे। आप जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे आपके सामने ऐसी सिंपल स्क्रीन आ जाएगी। आपको सिंपल एक्टिवेट ऐप पे क्लिक करके इसे ग्रीन कर देना होगा और ओके कर देना होगा। आप जैसे ही इसे ग्रीन करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप से इस वाले व्हाट्सएप में मैसेज करूंगा। इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बावजूद इस व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएगा, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ, हाय हेलो। अब मैं आपको ओरिजिनल व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ कि देखिए एक भी मैसेज नहीं आया है। एंड फ्रेंड्स, आपको इसे डिसेबल करना होगा तो आपको सिंपली ऐप को ओपन करना होगा और इसे डीएक्टिवेट कर देना होगा। आप इसे जैसे ही डीएक्टिवेट करेंगे सारे मैसेजेस वापस नॉर्मली आने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको आपको कैसे डाउनलोड करना होगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और इस वीडियो की लाइक जरूर से दे दें। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको ओपन करना होगा अपना प्ले स्टोर और सर्च करना होगा पुश इट। आप अच्छे से नाम देख लीजिए, पुश इट। इसका आइकन ऐसा है और इसकी 4.2 की रेटिंग है। आपको इसे सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।